बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सीन। और लास्ट लेक्चर में मैं आपको साइक्लोहेक्सीन की जो चेयर फॉर्म है, जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, उसके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ कि कहाँ पे ग्रुप होंगे। प्रीवियस लेक्चर में एक्सियल पोजीशन, इक्वाटोरियल, फिर ठीक है, आपस में डायरेक्शन, एक्सियल एक्सियल, इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल और एक्सियल इक्वाटोरियल, और इनके आपस में स्टेबिलिटी, डायरेक्शन, ये सारे उसमें देख चुके हैं। तो आज ये सिंपल है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, ये चेयर फॉर्म है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, लिहाजा इसी फॉर्म में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये साइक्लोहेक्सेन है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखें, अगर कोई एक ग्रुप लगा हुआ हो बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में, तो इसमें जो चेयर फॉर्म है, इसका जो इंटरेक्शन होता है वो 1-3 या 1-5 से होता है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, ये भी अबव है, ये भी दोनों भी 3-5 भी अबव है। तो अबव जो है वो जाहिर है सेम साइड पे हो जाएंगे, तो सेम साइड पे जो इंटरेक्शन है, वैन डर वाल्स इंटरेक्शन होंगे, ठीक है, तो उनमें वहाँ पे वो इंटरेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लिहाजा हम 1-3 या 1-5 एक डिस्कस कर लें। एक ही बात है, 3-5 सेम पोजिशन है, यूँ समझ लें कि जैसे ये देखें कि यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये चेयर फॉर्म है, अबव है, तो इसमें देखें कि ये मिथाइल है। अब इसका इंटरेक्शन इसके साथ या इसके साथ सेम है, यहाँ पे देखें, तो अगर आप इसमें देखें तो ये भी अबव है कार्बन, ये भी अबव है, ये 1-2-3 नीचे है, इसके इंटरेक्शन नहीं होगा इसके साथ स्पेशल जो है, तो 1-3 और 1-5 ये सेम है, ये 1-5 है, ये 1-3 है, इनमें से कोई डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 3 पहले नंबर आता है, इसलिए इसको अमूमन 1-3 डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है, ये 1-3 और ये 1-5 सेम है, तो डिस्कस हम 1-3 करते होते हैं, 1-5 पहले एक ही बात है, लेकिन जो नंबर पहले आता है अमूमन उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो ये 3-1-3-5 ये अबव हैं, 2-4-6 ये बिलो हैं, तो ये बिलो हो जाएंगे, इनके इंट्रैक्शन कम होंगे, तो जिनके इंट्रैक्शन मैक्सिमम होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें ये 1 है, अच्छा अब इसमें 4 पॉसिबिलिटीज हैं, ये आपको पता है कि ये एक्सियल है यहाँ पे इस मिथाइल ग्रुप, और ये भी एक्सियल है, ठीक है, कहाँ पे एक्सियल होंगे, कहाँ साइडवेज होंगे, कहाँ अबव होंगे, कहाँ बिलो होंगे, या फिर ये स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। तो ये 1-3 इंटरेक्शन है, ठीक है, सब में 1-3 इंटरेक्शन है, लेकिन ये क्या है, इसको कह सकते हैं कि ये एक्सियल एक्सियल इंटरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, आप इसमें देखें कि ये इक्वाटोरियल है, और ये क्या है, एक्सियल है, इक्वाटोरियल होगी, ये एक्सियल है, ये इंटरेक्शन देखें, ये आपके पास, ठीक है, एक्सियल है, इक्वाटोरियल है, एक्सियल है, और इक्वाटोरियल इंटरेक्शन हो गया, ये सेम है, ए ई या ई ए की बात हो गई उसी लिहाज से। अच्छा, इसमें फिर देखें कि ये जो इंटरेक्शन है, ये इक्वाटोरियल है, ये इक्वाटोरियल, ये ई इंटरेक्शन है। तो अब हम ये इंटरेक्शन, ये कन्फर्मेशन बनेगी, ये 4 कन्फर्मेशन पॉसिबल हैं। इनमें से जब हम मिक्सचर में जब हम एनालिसिस करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि ये जो है ना, ये फॉर 95% तकरीबन ये फॉर्म है, बाकी सारे जो है ये 5% होती है, सबसे ज्यादा ये है। तो जाहिर है जो चीजें, इसका मतलब है ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं मिक्सचर में, जिनका जिनकी परसेंटेज ज्यादा होती है वो स्टेबल होती हैं, इसका मतलब ये स्टेबल रहते हैं। अब आज स्टेबिलिटी कौन सी है, तो ये हम प्रीवियस लेक्चर पढ़ चुके हैं, ये जो वैन डर वाल्स स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन है, ठीक है, ये सारे स्ट्रेन्स की टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। तो जाहिर है स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब इसमें देखिए, ये इक्वाटोरियल है, ये भी इक्वाटोरियल, ये मैक्सिमम अवे है, ये जो दो ग्रुप हैं यहाँ पे, ये मैक्सिमम एक दूसरे से क्या है, अवे है, ठीक है, यानी यूँ समझ लें कि ये ग्रुप, ये देखें यहाँ पे, ये मैक्सिमम अवे है, यहाँ पे देखें फिर भी ये ठीक है, ये इसके करीब आ गया, इसके करीब आ गया है, यहाँ पे ये इसके क्या है, दूर है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल करीब हो गए, यहाँ पे देखें ये भी सेम सिचुएशन है, ठीक है, ये और ये यहाँ पे भी बहुत ज्यादा करीब है, ये सबसे अनस्टेबल होगा, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम अवे है, मैक्सिमम, तो इनकी रिपल्जेंस कम होगी,
एप्पल जींस कम होंगी तो स्टेबिलिटी में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में जो चार पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, वो ये है AA, ठीक है EE, उसके अलावा EA या KE, ठीक है। इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, ये, क्योंकि ये ग्रुप मैक्सिमम अवे है, ठीक है। एप्पल जींस कम होगी तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड देखेंगे, क्योंकि डाई सब्स्टिट्यूट तक हमारे पास सिलेबस में है, ठीक है, उसको डिटेल से देखेंगे। तब तक इसको आप याद कर लें, ठीक है, इट्स नॉट